गुड मॉर्निंग। अपन फंगस का स्टडी कर रहे हैं, फंगस के जनरल करेक्टर्स हो गए हैं, फंगस के रिप्रोडक्शन हो गए हैं, और उसके बाद फंगस का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो क्लासिफिकेशन, उसको भी अपने डिस्कस कर लिया है। अब मैं अपन क्लासिफिकेशन के बाद कुछ कैरेक्टर जो हैं वो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स थे, उनको अपन डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले वाली जस्ट पहले वाली क्लास में अपन ने जो ओमासिटीज और फाइकोमासिटीज के स्पेसिफिक कैरेक्टर डिस्कस कर लिए, तो आज अपन बात करेंगे एस्कोमासिटीज के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। एस्कोमासिटीज को अपन सैक फंजाई कहते हैं, उसके अपन थोड़े से स्पेसिफिक पॉइंट्स देखते हैं। जिनमें से कुछ अपन कुछ मेंबर्स के स्पेसिफिक मेंबर्स हैं उनका डिस्कस करेंगे। जैसे बात करें पैरासिटिक पैरासिटिक फंजाई जो बिलोंग करती हैं एस्कोमासिटी से, जिनमें से हैं एक तो क्लेविसेप्स क्लेविसेप्स परपूरिया, जिसको अपने पहले डिस्कस करा है। एस्परजिलस, ये जो एस्परजिलस हैं इसको अपने डिटेल में डिस्कस कर लिया है क्लेविसेप्स को बहुत सारे बार, जो ग्लिस्टोथिसियम का पॉइंट। जो एस्परजिलस हैं विच कॉज कॉज एस्परजिलोसिस एस्परजिलोसिस, ये डिजीज हैं वो ह्यूमन में भी होती हैं और बाकी एनिमल्स में भी होती हैं। इसके लिए आपने कहा था कि जो एस्परजिलोसिस हैं प्रोड्यूसेस अ टॉक्सिन दैट इज अफ्लाटॉक्सिन, जो कि कार्सिनोजेनिक होता है, कार्सिनोजेनिक। इसके अलावा जो ये एस्परजिलस हैं प्रोड्यूस मैनी ऑर्गेनिक एसिड लाइक एज सिट्रिक एसिड। फिर हम बात करें फंगस के अगले मेंबर्स, जैसे कि सेप्रोफिटिक फंजाई, जिसमें है न्यूरोस्पोरा, इंपॉर्टेंट न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को रेड या फिर पिंक मोल्ड कहते हैं। रेड या फिर पिंक मोल्ड भी कहते हैं, और इसको ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एज ड्रोसोफिला ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि न्यूरोस्पोरा इज आइडियल फॉर साइटोजेनेटिकल एंड बायोकेमिकल स्टडीज। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि जो न्यूरोस्पोरा है उसको प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला कहते हैं, पर यह है कि उसको ऐसा क्यों कहते हैं। उसके कहने के पीछे कारण ये है कि जिस तरह से एनिमल्स के अंदर हम ड्रोसोफिला को उसके जेनेटिक स्टडी के लिए, साइटोजेनिक्स के लिए, बायोकेमिकल के लिए बेहतरीन मटेरियल मानते हैं, बेहतरीन जेनेटिक मटेरियल मानते हैं, ठीक वैसे ही प्लांट किंगडम के अंदर न्यूरोस्पोरा को एक बहुत ही बेहतरीन मटेरियल माना गया है फॉर साइटोजेनेटिकल एंड बायोकेमिकल स्टडीज। इसके अलावा अपन लेते हैं कुछ एडिबल फंजाई में एक है मोरकेला, जिसको मोरेल कहते हैं, जिसको गूची भी कहा जाता है, मोरकेला मोरेल या फिर गूची। एक जो है वो है ट्रफल्स
ट्रफल्स, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट डेलीशियस फंजाई हैं, डेलीशियस फंजाई बिलोंग्स टू एस्कोमाइसिटीज। इसका जो नाम है वो ट्यूबर एस्टाइवम है। तो ये दो जो मोरकेला है और दूसरा जो है ट्यूबर एस्टाइवम है, जिसको अपन कह रहे हैं ट्रफल्स, ये दोनों ही काफ़ी एडिबल फॉर्म है सॉरी फॉर क्लास एस्कोमासिटिस। एक इम्पोर्टेंट फंगस जो एस्कोमासिटिस का मेंबर है वो है यीस्ट। यूनिसेलुलर बाइनरी फिशन करता है, बडिंग भी होता है इसमें और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं। तो मैं कुछ यीस्ट के नाम यहाँ पे अपन लिखते हैं। साइंटिफिक अगर नेम की बात करें तो मान लीजिए सैक्रोमाइसिस सीरेविसाई, एक ही यीस्ट। अगर इसके कॉमन नेम की बात करें तो इसका कॉमन नेम है बडिंग ईस्ट। अगर इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो ये हैप्लॉयड डिप्लॉयड। और इसके अंदर जो एस्कस होते हैं, सॉरी एस्कोस्पोर्स पर एस्कस, वो हैं चार। प्रति एस्कस में चार एस्कोस्पोर्स बनते हैं। साइजो सैक्रो साइजो सैक्रोमाइसिस ऑक्टोस्पोरस, जिसको अपन कहते हैं क्योंकि इसमें फिशन होता है, फिशनेट ईस्ट। डिप्लॉयड फेज है इसका, डिप्लॉन्टिक। इसके अंदर 8 एस्कोस्पोर पर एस्कस बनते हैं। साइजो सैक्रोमाइसिस फिशनेट इज सॉरी डिप्लॉन्टिक नहीं हैप्लॉन्टिक, 8 बनते हैं इसमें। एक है सैक्रोमाइसिस लुद्विगाई, जिसको कहते हैं एलोबियल का मतलब दोनों तरह की कंडीशन हो सकती हैं, और ये हैं डिप्लॉन्टिक, इसमें बनते हैं 4। तो ये कुछ कॉमन यीस्ट जिसमें अपने 3 नाम लिखे हैं, सैक्रोमाइसिस सीरेविसाई जिसको बडिंग यीस्ट कहते हैं, इसका जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, और इसके एस्कस के अंदर 4 एस्कोस्पोर्स बनते हैं। दूसरा है सैक्रोमाइसिस ऑक्टोस्पोर्स, जिसको अपन फिशनेट ईस्ट कहते हैं क्योंकि इसमें बाइनरी फिशन होता है, और ये जो इसका लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉन्टिक है, और इसके अंदर 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं पर एस्कस। तीसरा वाला जो है सैक्रोमाइसिस लुद्विगाई है, जिसको हेलोबियल कह रहे हैं, मतलब दोनों के अलग कैरेक्टर, यानी और जो है उसका लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉन्टिक है, और 4 एस्कस बनते हैं पर 4 एस्कोस्पोर्स बनते हैं प्रति एस्कस। कोप्रोफिलस फंजाई बिलोंग्स टू एस्कोमासिटीज, तो पेजाइजा
इसको कप फंजाई कहते हैं, एक एस्कोबोलस, एस्कोबोलस, ये दोनों मेंबर इसके कॉप्रोफिलस हैं। कॉप्रोफिलस फंजाई में अपने वो जाइगोमा सीरीज में बात करी थी, जिसमें अपने करा था कि जो कुछ मेंबर जैसे कि राइजोपस हैं, म्यूकर हैं, है ना, वो भी जो हैं वो कॉप्रोफिलस के एग्जांपल्स थे। फिर अपन बात करते हैं इसके कुछ एस्को कार्प की। एस्को कार्प जो है वो फ्रूटिंग बॉडी होती हैं, फ्रूटिंग बॉडी होती हैं। उसके टाइप्स की बात करें, आधार रखते हैं उसका आकार। जैसे पेरिथीसियम, पेरिथीसियम कप शेप, एपोथीसियम फ्लास्क शेप, क्लिस्टोथीसियम, क्लिस्टोथीसियम क्लोज्ड या ग्लोबोज, एस्टेरोथीसियम, एस्ट्रोथीसियम बोट शेप। एक्चुअल में जो ये एस्कोकार्प हैं, ये इसके फ्रूटिंग बॉडी हैं, इसके अलग अलग टाइप होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे एस्कस होते हैं। जैसे हम बात करें कि ये एक मान लीजिए एस्कोकार्प हैं, तो यहाँ इसके अंदर बहुत सारे एस्कस बनते हैं। इस एस्कस के अंदर जो एस्को स्पोर होते हैं, और अपने जब क्लासिफिकेशन करा था तो कहा था कि जो यूजुअली वैसे एस्कोमासिटीज में 8 एस्कोस्पोर बनते हैं पर एस्कस, तो उसके बारे में अपन एक थोड़ा सा एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, जिसको कॉमनली कहते हैं क्रोजियर फॉर्मेशन। क्रोजियर फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं एस्कोमासिटीज में। ध्यान रहे एस्कोमासिटीज में ही बनता है क्रोजियर, तो लिखते हैं क्रोजियर फॉर्मेशन, क्रोजियर फॉर्मेशन इन एस्कोमासिटिस। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको कहते हैं एस्कोगोनियम। एस्कोमासिटिस का फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो हैं वो हैं एस्कोगोनियम, या मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन के दोनों के अपने अपने जाएगो गैमेट्स। जब ये गैमेट्स फ्यूज करके n+n कंडीशन बन जाती है, इसको ऐसे इस तरह से बना देता हूँ और इसको डार्क कर लेते हैं। तो फिर ये जो मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फिर एस्कोगोनियम, उसके अंदर अब ये दो आ गए हैं, यानी इसको अपन कह सकते हैं ये n+n कंडीशन है। प्लाज्मोगेमिट हो गया है, कैरियोगेमी नहीं हुआ है। इस तरफ उसके एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, इसको एस्कोजिनस हाइफे कहते हैं, एस्कोजिनस हाइफे। ये जो एस्कोजिनस हाइफे है, जिसमें अब ये दोनों इस तरह से पहुंच जाते हैं, ये जो एस्कोजिनस हाइफे है वो कुछ इस तरह का उसका फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। इसके अंदर माइटोसिस होती हैं और ये इस तरह से इसका निर्माण हो जाता है। पट बन जाते हैं, ये कंडीशन हो जाती है, इसको कहते हैं पेनल्टीमेट हाइफी। और फिर इसके अंदर जो है कैरियोगेमी होती हैं, ये दोनों मिल जाती हैं, ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं, और ये जगह कहलाती हैं एस्कस,
एस्केसिस साइट फॉर कैरियोगेमी एंड देन म्योसिस, जहाँ आप कैरियोगेमी भी तो हो ही रहा है उसके बाद म्योसिस भी यहीं होगा, उस सेट टू बी एस्कस। इस एस्कस के अंदर अब म्योसिस होगा, तो एक एस्कस में फिलहाल बनेंगे 1, 2, 3, 4 डॉटर सेल्स, एक म्योसिस होता है। तो ये एस्को स्पोर्स हैं। फिर अगर इसके अंदर एक और म्योसिस होगा, होता है, तो फिर ये बन जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एस्को स्पोर्स। तो जो है क्रोजियर फॉर्मेशन एक स्ट्रक्चर बन रही है इस तरह की, जिसका पर्पज जो है वो डाइकैरियोटिक डिविजन्स को बढ़ाना है, डाइकैरियोटाइजेशन को इंक्रीज करना है। जैसे अपन बात करें कि जो एस्कोमासिटिस में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसका नाम है एस्कोगोनियम, यहाँ पे एक हाइफी निकलता है, जिसे कह रहे हैं एस्कोजिनस हाइफी, और जो एन प्लस एन कंडीशन है वो बढ़ गई है, एन प्लस एन कंडीशन जो है वो क्या हो गई, माइटोसिस से डबल हो गई, और फिर जो है जाके ये फ्यूज़ कर जाती हैं, जहाँ ये दोनों एन प्लस एन जाके फ्यूज़ करती हैं वो प्लेस कहलाता है एस्कस, और एस्कस के अंदर ही फिर क्या होता है, म्योसिस होता है, 1 म्योसिस से 4 जो स्पोर्स बनते हैं एस्को स्पोर, और फिर एक और म्योसिस होता है तो 8 एस्को स्पोर्स बनते हैं। क्लियर, थैंक यू।